तो रोजा ढाल है और जहन्नम से आजादी का एक अहम जरिया है। रोजा अल्लाह और बंदे के माबैन एक राज है। रोजा नूर है, जिया और रोशनी है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हर शय की कोई ज़कात होती है, इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर रोज़ा रखेगा तो जिस्म ज़कात अदा करेगा। जिस तरह ज़कात से माल पाक होता है, रोज़े से जिस्म पाक हो जाता है। और रोज़ा वैसे भी इंसान के लिए शिफा का प्याम है। फरमाया कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी के खाने के अंदर भी अल्लाह ने बरकत रखी है। तो ये माह सयाम अपने दामन में बरकतें लेकर, रहमतें लेकर नाजिल होता है। इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत, और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का मुज्दाए जान फिज़ा है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के हवाले से पांच चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे कबल किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई। एक तो ये कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखने वाले के मेदे से जो बू निकलती है, अल्लाह को वो मुश्क से ज़्यादा महबूब है। दूसरी बात कि जब माहे सयाम आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तीसरी बात कि रोज़ेदार जब तक रोज़े में रहता है, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। और चौथी बात, जब माहे सयाम की आखिरी रात आती है तो इसके सारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है और इसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। बल्कि एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज की कि आका करीम, जो ये जहन्नम से आज़ादी का परवाना मोमिन को मिलता है, तो क्या ये लैलतुल कद्र की रात है? तो आका करीम ने फरमाया, नहीं, जब मजदूर अपनी मजदूरी मुकम्मल करता है, जब उसकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है, तो फिर उसको उसका मालिक कुछ देता है। तो ये जो उसको बख्शिश और मग़फ़रत का मुज्दा जान फिजा दिया जाता है, ये उसकी मजदूरी है। और फरमाया कि जो लैलतुल कद्र की बरकतें उसको हासिल होती हैं, ये उसके अलावा हैं। और ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ख़ास करम नवाजी फरमाई बंदा मोमिन पर कि उसको ये बाबरकत रात अता फरमाई। और पांचवी फजीलत जो उसको दी गई रोज़ादार को और हुजूर से कबल जो उम्मतों में लोग रोज़े रखते थे, ये फजीलतें उनको नहीं अता की गई। जन्नत को पूरा माह मोमिन के लिए आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से एक रिवायत मरवी है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कालल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है, कुल्लु आमले इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम का हर अमल उसी के लिए है, इल्ला सौमा फइन्नहु ली, हाँ मगर रोज़ा है जो वो मेरे लिए रखता है, वह आना अजज़ी बेही, और इसकी जजा मैं उसे दूंगा, बस सयाम व जुन्नतुन, और सयाम रोज़ा ढाल है, फ़ाइज़ा काना यौमो सौमे अहदकुम फला यरफुस वला यस्खब, फ़ैन साबहु अहदुन औ कातलहु फलयकुल इन्नी साइमुन वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखुलूफु फमिस साइमे अत्यबु इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क लिस्साइमे फरहतान यफ़रहुहुमा इज़ा अफ़्तर फ़रिहा बिफ़ित्रिही व इज़ा लक़िया रब्बहु फ़रिहा बिसौमिही। तो फरमाया कि जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका ये अमल अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला उसकी जजा देगा। रोज़ा ढाल है, जब कोई शख्स रोज़ा रखे तो वो उसके अंदर कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करे, यहाँ तक कि अगर उसको कोई शख्स गाली भी दे तो वो ये कहे कि मेरा रोज़ा है, मैं साइम हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, ये कह के लड़ने वाले को, उलझने वाले को टाल दे।
हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है कि रोजादार के मेदे से जो बू निकलती है अल्लाह को वो मिस यानी कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा महबूब है। और रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब वो रोजा इफ्तार करता है और दूसरी खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब इस रोजे के सिले में उसे अपने रब का दीदार नसीब होगा। ये बात जहन में रखें कि इस दुनिया पर सबसे बड़ी दौलत जो हजरत इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है, और कयामत के दिन सबसे बड़ी दौलत जो अहले ईमान को दी जाएगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नत के हूर कसूर, जन्नत के महल्लात, जन्नत की आली नस नेमतें, दुनिया की कोई दौलत और दुनिया की कोई नेमत जन्नत की किसी नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जन्नत वाले जन्नत में जाकर जिस नेमत को सबसे बड़ा समझेंगे, और वो होगी भी हकीकत में सबसे बड़ी नेमत, ऐसी नेमत कि उस नेमत के मिलने पे बाकी सारी नेमतों को भूल जाएंगे, वो ये है कि रब अपने रुखे करम से पर्दा हटा देगा और उनको अपना दीदार अता फरमा देगा। तो ये सबसे बड़ी दौलत जो मोमिन को आखिरत में नसीब होगी ये रोजे के सिले में नसीब होगी। ये रोजे का वो समर है, ये रोजे का वो फल है जो अल्लाह अहले ईमान को कयामत के दिन अता फरमाएगा।